ये हमारे नौजवान जो खड़े, इनका भविष्य जुड़ा है। इसलिए देश के भविष्य का चुनाव है, इस चुनाव में हमारी मदद कर देना। और गठबंधन के प्रत्याशी जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, आफताब आलम जी, उन्हें एक एक वोट दे करके जिताने का काम करना। मुझे खुशी है इस बात की, कि ये लोकसभा गठबंधन जीतने जा रहा है। आपको पता होगा, लेकिन जो बैठे लखनऊ और दिल्ली में उन्हें भी पता है कि छठवें और सातवें में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये जो 5 साल और 2 साल गुजारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सरकार जो बनी है, सरकार की न्यू में क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो आज ताकतवर बनी दिखाई दे रही है, इसकी नींव में झूठ और नफरत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बताओ साथियों, झूठ और नफरत के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ और हो तो बताओ। ये जो सरकार बना रखी है, इस बार ये गठबंधन के तूफान में इनकी नींव हिल जाएगी, इनका पता नहीं लगेगा। ये स्थिति पैदा हो गई है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। बताओ साथियों, कोई सोचता था कि गठबंधन हो जाएगा? हमारे ये सब राजनीतिक साथी हैं जो मंच पे भी बैठे हैं, उधर भी दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं सोचता था कि ये गठबंधन हो जाएगा। और देखो गठबंधन का असर क्या हुआ है। आपके ही पड़ोसी बाबा मुख्यमंत्री जी अपनी लोकसभा हार गए थे, याद है कि नहीं? याद है आपको, बाबा मुख्यमंत्री जो अपनी लोकसभा सोचते थे कि कभी नहीं हार सकते, लेकिन यही गठबंधन ने उन्हें वहां से हरा कर करके, और एक बार नहीं और फिर हराने जा रहे हैं, दोबारा उन्हें वही पटकी मारने जा रही है ये गठबंधन। यही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री, जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी न जाने क्या क्या बोलते थे, हालांकि वो अपने आप को पिछड़ा मानते हैं। जो लोग अखबार पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, एक बार वो गलती से मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठ गए जाकर के। मुख्यमंत्री जी बाहर गए हुए थे, नाम भी अपना लिखवा लिया उन्होंने, और जब मुख्यमंत्री जी वापस आए, बाबा मुख्यमंत्री जी अब लौट करके आए, तो उन्होंने तख्ती हटवा दी। और वो दिन था, आज का दिन है, आज तक दोबारा उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाए। बताओ पत्रकार साथियों, हुआ था कि नहीं हुआ था? और वो अपनी भी लोकसभा हार गए। एक और लोकसभा थी कैराना लोकसभा, जहां से नफरत फैलाई थी, हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैलाई थी, हमारा भाईचारा खत्म किया था, हमारे समाज की। और हमारी यही तो खूबसूरती है कि हम सब जाति और धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं, यही हमारे भारत की खूबसूरती है। और उसको अगर किसी ने खत्म करने की कोशिश की थी तो कैराना से की थी, और इसी गठबंधन ने कैराना को दोबारा लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर दिया। इसलिए साथियों, हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ, और ऐसे झूठ बोलते हैं, एक के बाद एक झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, इतना झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। बताओ वो नारे याद हैं कि नहीं याद हैं आपको, 2014 के? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे। बताओ हमारे सिद्धार्थनगर, इटवा और आसपास के लोग, कितनों के अच्छे दिन आ गए ये बताएं हमें।
और अगर आप पीछे मुड़ करके देखोगे शिक्षा में तो जानते ही हैं, शिक्षा में तो जानते ही हैं, अगर शिक्षा मित्रों के अच्छे दिन अगर किसी ने छीने हैं तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री जी ने छीने के नहीं छीने हैं? बताओ आपके अच्छे दिन छिन गए कि नहीं छिन गए? सबके छिन गए, अब केवल बुरे दिन दे रहे देखने को दे दिए इन्होंने। और हमारे शिक्षा में साथियों इन्हें भी पता नहीं क्या हो गया था, ये भी चाय के चक्कर में पड़ गए थे, ये हमारे शिक्षा में साथी, इनका बहुत सम्मान किया समाजवादियों ने, समायोजित कर दिया आपको, लेकिन पता नहीं चाय में क्या था कि ये लोग भी थोड़ा बहुत हमारे से खिलाफ हो गए थे। लेकिन अब चाय का स्वाद तो पता लग गया कि नहीं पता लग गया? हमारे साथी अगर कहीं लखनऊ पहुंचे होंगे तो बताओ लाठी खाए थे कि नहीं खाए थे? इन्हें अपमानित किया, इन्हें अपमानित किया, अरे वो बाद में आएगा, रुक जाओ भाई, बताओ अपमानित होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा आपको? हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये शिक्षा मित्र वाली ये परेशानी तकलीफ अगर किसी ने पैदा की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। हम अपने शिक्षा मित्रों को भरोसा दिलाते हैं जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा आपको वही सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इनकी कोई गलती नहीं है, ये न जाने कितना पढ़ाए हैं, 14 साल 15 साल 20 साल, लेकिन इनके साथ भी